इस मैच की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। पूरी देखोगे तो पता चल जाएगा कि मैं इस मैच की तारीफ करने के लिए क्यों कह रहा हूं। मजा आने वाला है इस मैच के अंदर। पहला फिनिशर गुंतर की तरफ से कोडी रोड्स, किक आउट करना ही था। एक फिनिशर में तो कोई हार नहीं मानता इस गेम के अंदर, एक या दो फिनिशर में भी कोई हार नहीं मानता। तो आप कमेंट में गैस करना कि ये कौन सा मैच है। वैसे थंबनेल पे लिखा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इस इजी क्वेश्चन का आंसर कितने लोग दे पाते हैं। वीडियो पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है। रोमन रेंस भी आने वाले हैं, जॉन सीना भी आने वाले हैं, और इस मैच में कितने फिनिशर पड़ने वाले हैं ना, आप लोग काउंट करते थक जाओगे। कोडी रोड्स भी फिनिशर देना चाहते हैं, लेकिन गुंथर मौका दे ही नहीं रहे हैं उनको। दूसरा फिनिशर पड़ गया। नहीं नहीं नहीं, इतनी आसानी से कोडी रोड्स हार मानने वाली पार्टी नहीं है। अब एक और फिनिशर, अब की बार तो बच गए कोडी रोड्स। अब की बार अगर फिनिशर पड़ता ना तो कोडी रोड्स मुसीबत में आ जाते, लेकिन कोडी रोड्स ने भी अपना फिनिशर लगा दिया। वाह, अब देखते हैं कि गुंथर किक आउट कर पाएंगे कि नहीं। इनका फिनिशर अच्छा, मतलब एक ही फिनिशर में तीन तीन लगा डालते हैं, और लेकिन गुंथर नहीं कर पाए किक आउट, और इसके साथ ही पहला एलिमिनेशन हो चुका है। अब देखते हैं कि अगले नंबर पर कौन आएगा। नंबर थ्री पर अब कौन आने वाला है? ब्रॉन ब्रेकर, ये भी बढ़िया प्लेयर है एकदम। कोडी चले टेबल सेट करने के लिए, और ब्रॉन ब्रेकर पता नहीं इतनी दूर से, एक किलोमीटर दूर से हिट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर नहीं पाए। कोई बात नहीं, अभी देखो क्या मजा आने वाला भाई इस मैच के अंदर। वीडियो जरूर देखना पूरा, और इस मैच की तारीफ मैं क्यों करने के लिए कह रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। बहुत ही अमेजिंग मैच है। कोडी रोड सोच रहे यार तू ज्यादा ही स्टाइल मार रहा, चल अभी मैं तेरी स्टाइल गिरी निकालता हूँ। फिनिशर नहीं है कोडी रोड्स के पास। तीन तीन फिनिशर मैंने हर एक सुपरस्टार को दिए थे मैच स्टार्टिंग होने से पहले। अभी जल्दी आने वाला है फिनिशर कोडी रोड्स के पास इस गेम के अंदर ना। ओहो, टेबल के ऊपर से निकल के जंप करते करते अगर टेबल पे गिरते तो मजा आता, टेबल टूटता, साथ में एक हड्डियां भी टूटती इनकी। इस मैच के अंदर मैं बता दे दो, एक एक करके प्लेयर्स आते रहेंगे, और जिस जिसका पिनफॉल होता रहेगा वो निकलता रहेगा पतली गली से। और जब तक लास्ट बंदा बच जाएगा, मुझे लग रहा है टेबल टूटेगा, जो लास्ट बंदा बचेगा ना वो होगा इस मैच का विनर। और चैंपियनशिप मैच भी है ये, और चैंपियनशिप बताओ भाई इसमें कौन सी रखी है मैंने, बताओ कमेंट करके, गैस करके बताओ कौन सी चैंपियन है, कौन सी चैंपियनशिप है जिसके लिए ये फाइट हो रही है। क्या बात, कोडी रोड्स यार अभी से थक गए यार, अभी तो यार इतने बंदे अभी और आएंगे, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, अंडरटेकर, इतने बंदों के साथ अभी लड़ना है, अभी हार नहीं मानना है। देखते हैं कि कोडी रोड्स कितने बंदों को एलिमिनेट करते हैं। एक बंदे को तो एलिमिनेट कर दिया कोडी रोड्स ने। टेबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। खैर छोड़ो कोडी रोड्स टेबल को, अब कुछ नया करो। पिनफॉल जो है वो सिर्फ रिंग के अंदर ही होगा। आ गया और चला भी गया। टेबल टूट जाता ना तो मजा आ जाता। रोमन रेंस, नहीं रोमन रेंस नहीं है भाई, अंडरटेकर है। अंडरटेकर आ चुके हैं, अब अंडरटेकर भी लड़ेंगे इनके साथ। जैसे रॉयल रंबल में बंदा आता है ना, सेम उसी तरह से बंदे इसमें आते रहते हैं एक इंटरवल के बाद। लेकिन उसमें क्या है, आपको रोप से बंदे को बाहर नहीं फेंकना, आपने उसको हराना है, पिनफॉल करना है, तब उसको एलिमिनेट करना है। ये बढ़िया मैच है बहुत। एक रॉयल रंबल में ही आप समझ लो कि पिनफॉल का सिस्टम डाल दिया गया है, मजेदार। अभी देखते जाओ इस मैच में और क्या क्या होने वाला है। रोमन रेंस भी आने वाले हैं, वेट तो उन्हीं का है कि रोमन रेंस आएंगे, और उसके बाद मैच कहां किस डायरेक्शन में जाने वाला है और जीतेगा कौन। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि जीतने वाला कौन है। आज पहला मैच है चैंपियनशिप के लिए। कोडी रोड्स ना आज बहुत ज्यादा सामान ढूंढने में लग रहे हैं। दूसरा गिटार निकाल लिया, अब ये किसी को ना किसी ना, गिटार नहीं है भाई, कुर्सी है। चलो ब्रॉन ब्रेकर भी निकल लिए, वो कुर्सी फेंक के मारी, और वो भी अंपायर के खोपड़े में।
अंपायर का खोपड़ा फोड़ दिया कोडी रोड्स ने। अब फाइट होने वाली है। और अरे भाई अंडरटेकर भी बहुत ही खतरनाक मूड में नजर आ रहे हैं आज। कुर्सी उठा ली है अंडरटेकर ने। अब कुर्सियों से धुलाई होने वाली है कोडी रोड्स की। ये पड़ी कुर्सी, अब समझ में आया ये मैच इतना खास क्यों है। बहुत ही अल्टीमेट भाई, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को जो मेरे चैनल पर नए हैं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो एक ना एक दिन के बाद YouTube आपको ये चैनल की वीडियो रिकमेंड करना बंद कर देगा। फिर आपको ये चैनल का नाम भी याद नहीं रहेगा, कौन था बोलने वाला, कौन कमेंट्री करने वाला था, भाई कुछ याद नहीं रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। अंडरटेकर एज इट इज अपनी बनियान फाड़ते हुए फिर से, उनको आदत हो चुकी है, वो हर मैच के लिए नए बनियान खरीद करके लेके आते हैं। रोमन रेंस आ चुके हैं भाई, जिसका मुझे था इंतजार, आ चुके हैं भाई। चलो, लेकिन इस चीज का इंतजार नहीं था कि वो आते ही मार खाने लगे, ये अच्छा नहीं था। कोडी रोड्स लेटे हुए हैं, लेकिन लेट लेट कर काम नहीं चलेगा इस मैच में। रॉयल रंबल की तरह लेटाना पड़ेगा सामने वाले को, तभी काम चलेगा। रोमन रेंस जल्दी से अपनी फॉर्म में आ जाओ, बढ़िया मैच देखना है आज में, फाइव स्टार मैच होना चाहिए कम से कम। ऑर्डर तो मैं ऐसे दे रहा हूं जैसे समझ सकते हो भाई, फिनिशर पड़ गया और वो भी अंडरटेकर से रोमन रेंस को। यार ये शुरुआत अच्छी नहीं हुई रोमन रेंस की। और कोडी रोड्स बेसबॉल का बैट लेकर के आए हैं। अंडरटेकर ने उठा लिया भाई, और अब वो बच गए। रोमन रेंस अगर फिनिशर ना लगाते ना तो ये बेसबॉल का बैट उनके कहीं ना कहीं पिछवाड़े अगाड़े सर पे कहीं पड़ना था। कोडी रोड्स मस्ती में लग रहे हैं आज। चलो भाई रोमन कुछ करके दिखाओ, पहला फिनिशर तो लगा दिया भाई रोमन ने, ये अच्छा बनाया। मतलब पहले ना रिंग के बाहर जाकर के ना रोमन अपना फिनिशर देना भी भूल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी देखो, ओ रे 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 रे, कुछ जबरदस्त तूफानी करने वाले हैं आज रोमन रेंस। अंडरटेकर की बनियान अगर नहीं फटी है तो भाई आप लोगों में से कोई जाकर के फाड़ दो उनकी बनियान। अगला नंबर देखते हैं भाई किसका आने वाला है। आज के मैच में रोमन जीतना चाहिए। अरे भाई रोमन तो ना जंप पे जंप किए जा रहा है। सब्सक्राइब कर दो भाई, दबा दबा के सब्सक्राइब कर दो जंप कर करके। अभी शेमू भैया आने वाले हैं। शेमस आने वाले हैं, अभी धुलाई होने वाली है शेमस की। अरे आते ही फिनिशर भाई, उनको मैच में आने तो देते कम से कम। एक और फिनिशर भाई, फिनिशर पे फिनिशर, स्पीयर पे स्पीयर। रोमन रेंस भाई भूत मोड एक्टिवेट हो गया रोमन रेंस का। 2K23 में गॉड मोड था, अब ये भूत मोड एक्टिवेट कर लिया भाई रोमन ने। जो भी हो अच्छा हुआ रोमन ने भाई अपने तीनों फिनिशर यूज कर लिए, तीन स्पीयर, एक अंडरटेकर को लगाया, एक शेमस को लगाया, तीसरा किसको लगाया ध्यान करके देखना एक बार। कोडी रोड्स को पड़ा था कि अंडरटेकर को पड़ा था। शेमू भैया का स्वागत हुआ है स्पीयर के साथ, और मुझे लग रहा है कभी एक और ना पड़ जाए। लो भाई एक और दूसरा स्पीयर, सुपरमैन पंच भी पड़ा साथ में, वो अलग। वाह भाई रोमन ने इतना हद कर दी, ये देखो स्पीयर फिनिशर, स्पीयर फिनिशर सिग्नेचर भाई, इससे नीचे तो बात ही नहीं कर रहे आज। कोडी रोड बाहर खड़े हैं वरना उन्हीं को भी पड़ जाता। कुछ अलग करके दिखाओ भाई रोमन। उधर कोडी रोड शेमू को फिनिशर लगाते हुए, वन टू, अरे रे रे रे, एक और भाई, कुछ ना कुछ मारा है रोमन ने, फिनिशर लगाया। इधर एक पिनफॉल खत्म तो दूसरा चालू। लो भाई रोमन और कोडी भिड़ पड़े आपस में, रेसलमेनिया 40 याद रहेगा सबको। नहीं नहीं हार तो नहीं मानने वाले। अरे मान गए भाई, हार मान गए कोडी रोड्स।
रेसलमेनिया पे मान जाते ना इतनी आसानी से तो यार मजा आ जाता। ये क्या था भाई? भाई रोमन रेंस ने था आज भूत मोड एक्टिवेट कर लिया। रोमन रेंस ने कुर्सी पे कुर्सी, चेयर पे चेयर, स्पीयर पे स्पीयर, सुपरमैन पंच पे सुपरमैन पंच। अब ये नया बंदा कौन आया? इसका भी स्वागत करने पहुंचे थे ड्रू मैकइंटायर, आते फिनिशर खा लिया। बस रोमन को पिनफॉल मत करना बस, वरना डिलीट कर दूंगा 2K24 में। ये शेमू भैया एलिमिनेट हो चुके और ये अंडरटेकर को भी पड़ा, अंडरटेकर को भी एलिमिनेट कर दिया भाई इस बंदे ने आकर। अब बस ये कहीं रोमन को एलिमिनेट ना कर दे बस, वरना इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा अभी। भाई कुछ अलग सा करके दिखाओ रोमन आज के इस मैच में। ये मैच बढ़िया है बस। अरे चेयर मत खाना बस, चेयर नहीं। अब हेल्थ यार क्या ही बची होगी रोमन के पास। रेजिलेंसी है ना, पता नहीं यार ये लोग रेजिलेंसी यूज करना क्यों भूल जाते हैं। कुछ अलग करके दिखाओ, ये मुझे लग रहा है कि अब की बार कुछ ना कुछ अलग करेगा भाई पक्का। कुछ अलग चाहिए हमें। कितने बंदे आ चुके हैं, मैं तो काउंटिंग भी भूल गया। फिनिशर देने जा रहे हैं रोमन। अरे यार Whatever's playing here can't be good. यार फिनिशर सिग्नेचर रोमन, यार भाई कुछ कर, कुछ करिए, कुछ करिए। हाँ बस 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 बस, बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया फिनिशर, बहुत बढ़िया फिनिशर। नहीं नहीं किक आउट कर दिया, लेकिन अब नया बंदा आने वाला है। ये मूव ये जबरदस्त था, ये तो उससे भी जबरदस्त था भाई। जबरदस्त सुपरमैन पंच रनिंग, पहली बार देखा होगा भाई इस तरह का सुपरमैन पंच, मैंने तो कभी नहीं देखा। और ऊपर से फिनिशर, भूत मोड है भाई ये, भूत मोड। चलो खेल खत्म, 1-2। अभी भी नहीं यार, सुपरमैन पंच खा लिया, उसके बाद फिनिशर खा लिया, क्या खाना बाकी है। ब्रॉक लेसनर आ गए भाई, ये खतरनाक, और वो इसीलिए खतरनाक है, आते ही कुछ आम दिखा ना था, सीधा F5। भाई रोमन को बचा लो कोई, रेफरी काउंट मत कर, काउंट करने की जरूरत नहीं है, 500 रुपए दूंगा। अरे नहीं यार, रोमन रेंस एलिमिनेट हो गए, जिसका बहुत दुख है। रेसलमेनिया 40 से भी ज्यादा दुख हो रहा है भाई आज। ये अच्छा नहीं किया ब्रॉक लेसनर ने, मार भाई ब्रॉक लेसनर को मार। ड्रू मैकइंटायर चटनी बना दे ब्रॉक लेसनर की, तो आप लोगों को भी मजा तो आ ही रहा होगा ना। अगर मजा आ रहा है ना तो लाइक कर दो भाई, पंच लाइन बन गई भारी है, पंच लाइन मजा आ रहा है ना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। 2K24 में ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेगा भाई हमारे चैनल पे, और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ मिल भी जाएगा। अब देखते कौन आने वाला है, जॉन सीना आने वाले हैं अभी, और आई थिंक सेथ रोलिंस, पता नहीं है कि, मैं तो काउंटिंग भी नहीं देख रहा हूँ कि कहाँ तक काउंटिंग पहुंच चुकी है। 30 मैन भी लगा दूंगा किसी दिन, 30 मैन बढ़िया मैच है भाई। F5 नहीं नहीं नहीं, F5 है कि कमूरा लो का भाई, तंबूरा लो का, जो भी है मुझे नाम लेके बता दो। एलिमिनेट नहीं होने वाले अभी, बतिस्ता बढ़िया, अल्टीमेट। थंबनेल में पता नहीं बतिस्ता है कि नहीं है, 8 ही प्लेयर नजर आ रहे थे वहां पे, 10 दिखा देते तो क्या जा रहा था, थोड़ी सी छोटी कर देते ना फोटो। बतिस्ता के हाथ में डंडा है और F5 से स्वागत है भाई उनका भी, रिवर्स कर दिया और ये पड़ा भाई बतिस्ता बॉम्ब ब्रॉक लेसनर को।
और वो भी चेयर के ऊपर भाई, बहुत ही मस्त था फिनिशर बतिस्ता का। बतिस्ता जॉन सीना का मैच किसी ने देखा है ना, पुराने वाला जो गाड़ी के ऊपर से F5 दिया था ना जॉन सीना ने, बहुत अल्टीमेट था। ब्रॉक लेसनर है कि हार ही नहीं मानते। चलो डंडा आ गया, लोअंडा भी आ गया, पर गलत जगह। बढ़िया मैच चल रहा है, जॉन सीना का वेट कर रहे हैं भाई, जॉन सीना देखते हैं कब आएंगे। अब तो आ ही जाएंगे, अब बचा ही कुछ नहीं है ना मैच में, क्यों नहीं बचा भाई। अभी देखो जॉन सीना आकर के क्या धमाल मचाने वाले हैं। ड्रू मैग्नेटायर कहाँ है भाई, एलिमिनेट तो नहीं हो गए। गिटार भी पड़ा भाई, उसको भी इस्तेमाल कर लो। बढ़िया है मैच, भले 2K23 में 2K24 में ना इम्प्रूवमेंट तो है, थोड़ा सा और अगर ग्राफिकली यार कितना रियल बनाए क्या असली में, बाहर स्क्रीन से निकल के बाहर आ जाए क्या, अब और कितना रियल बनाए 2K24 को। हाँ लेकिन ये अच्छा नहीं किया यार, गोल्डबर्ग किधर है, हर मैच में बोलूंगा जब तक नहीं आ जाते। पता नहीं तो मेरे वाली गेम में नहीं भाई, किसी पे हो तो बता देना। अब देखते हैं कि आई थिंक जॉन सीना ही आएंगे। लो भाई जॉन सीना आ गए नंबर 10 के ऊपर, अब आएगा मजा। जॉन सीना तो सीधा रिंग में चले गए, दोनों बंदे बाहर आपस में लड़ते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, क्यों बीच में घुस करके मार खाने का। वैसे भी दोनों में दोनों मिलकर के मारेंगे अभी इनको, तो इससे अच्छा है कि रिंग के अंदर ही घुस जाओ और दूर रहो भाई इनसे, क्यों बीच में घुस के मार खाएं। ठीक है, लो लेने के देने पड़ गए जॉन सीना को, देने के देने पड़ गए। अरे नहीं नहीं, 16 सुप्लेक्स लगे थे उस वक्त उस मैच में, पहला जब सुप्लेक्स सिटी के दर्शन करे थे जॉन सीना ने, तब कहीं जा करके हार मानी थी जॉन सीना ने, वो बात अलग है, उससे पहले बीच में कहीं पिनफॉल किया ही नहीं ब्रॉक लेसनर ने। ये क्या था भाई, अब जॉन सीना आ गए अपने मूड में, अब उन सुप्लेक्स का बदला लेंगे भाई। भाई जॉन सीना को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती होगी। पिनफॉल नहीं होगा भाई, नहीं होगा, लिखवा लो मुझसे, देखा नहीं हुआ ना। अब चैंपियन इन तीन में से कोई बनेगा, रोमन बनता तो बहुत बड़ा मजा आता। कोई बात नहीं, ओहो जॉन सीना का तो भाई सर फोड़ दिया बतिस्ता ने डंडा मार करके। लो फिनिशर पड़ा, इसी की जरूरत थी, ब्रॉक लेसनर ने बहुत F5 मारे। अब डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट पड़ेगा ब्रॉक लेसनर को, जॉन सीना बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर का टाटा बाय बाय होने वाला है। लो अरे किसका पिछवाड़ा दिखा रहा है यार कैमरामैन, क्या कर रहा था। चलो ब्रॉक लेसनर का टाटा बाय हो लिया, अब बतिस्ता का भी मुझे लग रहा है कि ओहो मंकी फ्लिप, ये बढ़िया मूव था, बड़ा इजी है, मतलब जाओ और सामने वाले को चिपक जाओ और उसको पलटा दो। वाह सिग्नेचर आ चुका है भाई जॉन सीना के पास, लगाएंगे क्या सिग्नेचर। नहीं 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 अभी कहां, सिग्नेचर लगा के देखो जरा, नकल शफल। वाह पावर बम, वाह भाई वाह, अभी कुछ होने वाला है इस मैच में, कुछ ना कुछ तो होगा। तो भाई जो भी मेरे चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब और लाइव नहीं मतलब लाइक करते हो ना तो बहुत सपोर्ट मिलता है चैनल को। वाह ये देखो क्या जबरदस्त लाइक और सब्सक्राइब बोला तो घुमा दिया बतिस्ता को। वाह दो पावर बम लगा दिया भाई जॉन सीना ने, सोच करके आए आज
कि आज मार नहीं खानी, जीतना है आज। अब तो गए बतिस्ता। लो भाई लग गया नकल शफल। ये बहुत ही जबरदस्त है। ये पड़ा, अब पड़ेगा फिनिशर। अच्छा फिनिशर के बगैर ही, चलो देखते क्या पता हो ही जाए। और हो भी गया भाई। लो यूनिवर्सल चैंपियन WWE जॉन सीना। अनाउंसमेंट इतनी भी बेकार नहीं कर रहा हूं मैं। तो चलो बेल्ट मिल गई जॉन सीना को, पहले हमारे इस चैनल के चैंपियन जॉन सीना। डिपेंड करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। चलो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Becoming champ like this, he is never going to forget this moment or feeling.